गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ में आपका पहला चैप्टर है ग्रोइंग प्लांट्स, है ना। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली वी विल रीड द बुक एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ने वाले पौधे, ग्रोइंग प्लांट्स, है ना, या बढ़ते हुए पौधे। तो सबसे पहले इसमें आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हें आपको अपनी बुक में ही फिलअप करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, शोन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ द सीड ऑफ सम फ्रूट्स, आइडेंटिफाई द फ्रूट्स फ्रॉम दिस सीड एंड राइट देयर नेम। तो यहाँ पे बच्चों कुछ सीड्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके जो फ्रूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये किस फल के बीज हैं, ये आपको फ्रूट्स नेम यहाँ पे लिखने हैं जिनके ये बीज हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन ऑल द सीड्स, सो अबव दीज आर नॉन ईटेबल सीड्स, थिंक ऑफ एनी फोर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हूज सीड्स आर ईटेबल एंड राइट देयर नेम इन द ब्लैंक्स बिलो। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम मेंशन करने हैं जिनके सीड्स को आप खा नहीं सकते हैं, है ना, हू सीड आर नॉट ईडेबल एंड राइट देयर नेम, उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो ये तो आपके क्वेश्चंस जो हैं इसको आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। अब हम आगे आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों क्या दे रखा है, हाउ डू प्लांट्स ग्रो मीन्स पौधे कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, है ना। तो जैसे कह रहा है कि आप सबको पता है कि प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ, बिना जो प्लांट्स है, बिना प्लांट्स के हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है। हमारा क्या, मोस्टली जो आपके एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह होते हैं ये भी प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए किसी भी मतलब ह्यूमन बींग्स का जो जीवन है वो मतलब प्लांट्स के बिना संभव नहीं है। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स बच्चों क्या करता है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, और आप सबको पता होगा कि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या करता है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। ओके बच्चों, इतना आपको आई थिंक समझ में तो आ रहा होगा। वी गेट फूड एंड मेनी अदर प्रोडक्ट लाइक रबर फाइबर ईटीसी फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट फूड मतलब हमें फ्रूट्स मतलब फूड मिलता है, भोजन मिलता है, और भी दूसरे बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें प्लांट से, जैसे कि आपका रबर हो गया, फाइबर हो गया, और भी बहुत कुछ। तो ये हमें सब प्लांट से ही मिलते हैं। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज दैट दे ग्रो, है ना। और जो सभी मतलब जो सजीव चीज़ें होती हैं उनकी एक ये प्रमुख विशेषता होती है कि वो सब ग्रोथ करते हैं, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रोथ करती हैं। तो ये आप सबको इतना पता है कि सजीव चीज़ें ग्रोथ करती हैं, इवन प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं क्योंकि वो भी आपके लिविंग थिंग्स में आएंगे, है ना। ये मतलब सभी जितने भी जीव होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। अब देखिए, प्लांट्स आल्सो ग्रो इन नंबर, प्लांट ग्रो इन टू वे। जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो भी मतलब नंबर्स में ग्रोथ करते हैं, जैसे कि एक हुआ, एक से दो हुआ, और वो अपने बीज के थ्रू या फिर और भी बहुत से प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू ग्रोथ करते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर सीड्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जो कि सीड के थ्रू ग्रोथ करते हैं, अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग एंड द सीडलिंग डेवलप इनटू अ प्लांट्स। अब क्या होता है, सम ये तो हो गया कि मतलब कुछ पौधे जो है अपने सीड के थ्रू ग्रोथ करते हैं, अ सीडलिंग ग्रो इनटू अ सीडलिंग, सॉरी अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग, है ना। जो बीज होता है वो धीरे धीरे कर वो सीडलिंग में परिवर्तित हो जाता है। सीडलिंग मीन्स होता है, यहाँ सीडलिंग का मतलब होता है अंकुर से, है ना, आपने सुना होगा अंकुर,
कि जब जब बीज जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है तो उससे अंकुर फूटता है। अभी मैं आगे आपको डायग्राम उसका बना हुआ है, मैं उसे आपको दिखा के पूरा क्लियर कर देती हूँ। और उसके बाद है एंड सीडलिंग डेवलप इनटू अ प्लांट, तो सीड से पहले सीडलिंग बनता है, फिर वही जो सीडलिंग होता है वो आपका प्लांट में डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फूड सॉरी सीड का, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अ सीड मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज अ सीड पॉड। तो जो आपका बच्चों जो आपका सीड का स्ट्रक्चर होता है वो किससे, वो अ सीड मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, है ना, वो तीन भागों से मिलकर बना होता है, दैट इज अ सीड। तो पहला क्या है, पहला है सीड कोड, सॉरी हाँ पहला है सीड कोड। तो सीड कोड क्या होता है बच्चों, जो जैसे आपने कभी बीज को देखा होगा, किसी भी चीज़ का आपने बीज देखा होगा, तो सीड कोड इज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्टेड। तो जो सीड के बाहरी भाग होता है, आप कह लीजिए जो बाहर की उसका जो मुख्य भाग होता है, हार्ड पार्ट जो होता है उसको हम सीड कोड बोलते हैं। और उस सीड के अंदर क्या होता है, उस सीड के अंदर आपका सीड प्रोटेक्ट होता है, है ना। तो ये जो सीड कोड होता है, ये जो आपका सीड है इसका प्रोटेक्शन करता है, इसको अपने अंदर सुरक्षित रखता है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा सीड लीव्स, है ना। सीड लीव्स आर आल्सो कॉल्ड कैटिलीडन, है ना, तो सीड लीव्स को कैटिलीडन भी बोलते हैं। दे कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट्स, ये क्या करता है, ये अपने अंदर बेबी प्लांट्स के लिए फूड कंटेन करता है, मतलब भोजन को कंटेन करता है, स्टोर करता है। सम सीड हैव वन कैटिलीडन, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कैटिलीडन होता है, है ना। और आप कैटिलीडन से मतलब आप कह सकते हैं कि बीज के भीतर का भाग जो होता है, है ना। और वाइल सम हैव टू, और जबकि किसी किसी में ऐसा होता है कि दो कैटिलीडन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे एम्ब्रॉयो की, है ना। तो एन एम्ब्रॉयो इज़ अ बेबी प्लांट दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, ये क्या होता है, ये एक बेबी प्लांट होता है जो कि न्यू प्लांट में डेवलप होता है। इट हैज़ अ रूट एंड अ शूट, है ना, इसमें रूट होती है और शूट होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैटिलीडन प्रेजेंट इन देम। सीड आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या है आपका, पहला है मोनोकोट सीड और दूसरा है डाइकोट सीड। तो हम पहले बात करेंगे मोनोकोट सीड के बारे में। तो एग्जाम्पल ऑफ सच एज सच सीड आर कॉर्न वेथ राइस एंड पाइंस नट। तो जो बच्चों जो मोनोकोट सीड का जो एग्जाम्पल होता है, ये क्या क्या होते हैं, ये आपका कॉर्न होता है, राइस होता है, पाइंस होता है, नट होता है, ये सब आपके मोनोकोट सीड की एग्जाम्पल हैं। और डाइकोट सीड का देखिए, सीड दैट हैव टू कैटिलीडन्स हैं आर कॉल्ड डाइकोट सीड, जिसमें दो कैटिलीडन्स होते हैं वो डाइकोट सीड कहलाता है, और जिसमें सिंगल होता है, है ना, वो मोनोकोट सीड कहलाता है। मीन्स आप ऐसे समझिए बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए आपने गेहूं का बीज लिया, हाँ, या फिर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपने, आप सिंपल भाषा में समझिए बच्चों कि ये आपका गेहूं है, है ना, गेहूं का दाना है, तो इसमें पार्टीशन नहीं हो सकता, इसमें पार्टीशन नहीं हो सकता। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है, ये मोनोकोट सीड का एग्ज़ाम्पल है। मीन्स जिस चीज़ों में पार्टीशन नहीं हो सकता है उसको मोनोकोट सीड कहते हैं, और जिसमें पार्टीशन हो सकता है, दो बराबर भागों में जो बढ़ सकता है, उसे डाइकोट सीड कहते हैं। और डाइकोट सीड का एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखिए बच्चों, इसे आप पहचानते होंगे, है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, चना बोलते हैं। तो देखिए ये दो बराबर पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो देखिए बच्चों ये दो बराबर भागों में बढ़ गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डाइकोट सीड का एग्जाम्पल। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एक चीज़ें दिखा दी हैं, ये आपका मोनोकोट सीड का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका डाइकोट सीड का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो ये टू पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है, और ये टू पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड हो सकता है।
तो ऐसे आप इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे आपका मोनोकोट शीट का भी एग्जांपल दिया और डाइकोट शीट का भी एग्जांपल दे रखा है। तो ये तो बच्चों यहाँ तक आपने पढ़ा कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, और स्ट्रक्चर ऑफ द सीड आपने पढ़ा और टाइप्स ऑफ सीड पढ़ा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो अब बच्चों देखिए कि जर्मिनेशन ऑफ सीड होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड, जो सीड का जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस रहता है इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, है ना। जो द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग, जो सीड का प्रोसेस होता है सीडलिंग पर, सीडलिंग तक डेवलप होने में, उसे जर्मिनेशन बोलते हैं। और जो इसका जर्मिनेशन का जो प्रक्रिया होती है वो आपको डायग्राम में यहाँ देखिए दिखाया हुआ है ना बच्चों। देखिए जैसे आपने अगर कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि सबसे पहले बीज, अगर आप किसी चीज़ को लगाते हैं, है ना, किसी चीज़ का बीज बोते हैं, तो पहले तो बीज इस कंडीशन में रहता है, फिर वो धीरे धीरे इस कंडीशन में आता है, फिर ऐसे परिवर्तित होता है, फिर ऐसे और फिर ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जैसे कि कह रहा है कि आप डायग्राम में भी मैंने आपको दिखा दिया। अब बच्चों जब आप अपनी कॉपी में ये चैप्टर करोगे तो आपको यही वाला डायग्राम आपको बनाना है, है ना, जर्मिनेशन ऑफ द सीड का। अब हम बात करेंगे जैसे कि आपको नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, यू मस्ट हैव सीन सीड्स सच एज मूंग दाल एंड बीन्स स्टोर इन योर किचन। कह रहा है कि आपने देखा होगा कि आपके किचन में मूंग दाल वगैरह ये सब स्टोर रहती है, व्हाई डू दे नॉट जर्मिनेट इन द कंटेनर। तो ये कह रहा है कि बच्चों ये कंटेनर में क्यों नहीं जर्मिनेट हो जाता है, है ना। जैसे कि आप किसी जार वार में दाल वाल रखी रहती तो उसमें क्यों नहीं ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस होने लगता है कि सीड से सीडलिंग बने और सीडलिंग कन्वर्ट इनटू अ प्लांट और सीडलिंग जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ उसको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, उसको वहाँ ऐसी कंडीशंस नहीं मिलती हैं, इसलिए वो कंटेनर में जर्मिनेट नहीं हो सकता है। दिस सीड डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज अ सीड रिक्वायर्स सफिशियंट कंडीशन ऑफ द जर्मिनेशन, क्योंकि उसको कंडीशन चाहिए होती है जर्मिनेशन की, तभी तो वो वहाँ जर्मिनेट होगा, नहीं तो कैसे होगा। जब उसे कंडीशन ही नहीं मिलेगी तो कैसे जर्मिनेट होगा, इसलिए वो कंटेनर में जनरेट नहीं हो सकता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आवश्यक होती हैं, है ना। जैसे कि सीड नीड एयर वाटर एंड वार्म्थ फॉर द जर्मिनेशन। बीज को जर्मिनेशन करने के लिए, मतलब जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है, जर्मिनेशन से मतलब समझ लीजिए जो सीड से सीडलिंग बनता है और सीडलिंग जब वो प्लांट में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो कंडीशन अप्लाई करती है वो क्या है, सीड नीड एयर, उसको हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और गर्मी की भी ज़रूरत होती है फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए लाइट फ्रॉम द सनलाइट इज नॉट रिक्वायर फॉर द जर्मिनेशन, लेकिन जो सूर्य की रोशनी होती है जर्मिनेशन के लिए वो ज़रूरी नहीं होती है, बट उसको वहाँ गर्मी मिलनी चाहिए सीड को। बट आफ्टर द बेबी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉयल, है ना, जब बेबी प्लांट मिट्टी से बाहर आ जाता है, वाटर हेल्प टू ब्रेक द सीड कोट, तो पानी क्या करता है सीड कोट को तोड़ने में हेल्प करता है, सो दैट द बेबी प्लांट्स कैन कम आउट, और उसी की सहायता से बेबी प्लांट्स बाहर आता है। द सीड आल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। अब देखिए बच्चों सीड को भी ब्रीथ की ज़रूरत होती है ना, सीड भी आपका जो बीज है वो भी आपको सांस लेता है। स्लोली द बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ सीडलिंग, और धीरे धीरे करके जो बेबी प्लांट होता है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अ सीडलिंग हैज़ टू बी शिफ्टेड ऑफ द लाइट आफ्टर जर्मिनेशन एंड बिकम अ बिग प्लांट्स, और धीरे धीरे करके वो पौधा बढ़ने लगता है। अब हम बात करेंगे कि देखिए बच्चों मैनी पीपल ईट स्प्रूट ऑफ द ब्रेकफास्ट, क्या करते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, अंकुरित चीज़ें खाते हैं, है ना। अंकुरित का मतलब आप समझते होंगे, जैसे कि आपने चने दो दिन एक दिन पहले भिगो दिए तो उसमें धीरे धीरे करके वाइट कलर का एक रेशे से निकलते हैं ना,
उसको बोलते हैं अंकुर, है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं वो ब्रेकफास्ट में अंकुरित चीज़ों को खाते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि ये अंकुरित जो भी चीज़ें होती हैं अंकुरित, वो बहुत फ़ायदा करती हैं, है ना, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि उनसे आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, विटामिन सी मिलता है और ये सब चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, हेल्प इन मेकिंग अ न्यू सेल्स इन योर बॉडी, जो कि इन आवर बॉडी। और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं न्यू सेल्स, जो बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं उनको बनने में ये सहायक होते हैं। एंड विटामिन सी हेल्प अस टू फाइट वेरियस इन्फेक्शंस। और इसमें जो विटामिन सी मिलता है ये आपकी बॉडी में, जैसे कि रोगों से लड़ने में आपकी बॉडी को और मजबूत बनाता है, और कोई भी इन्फेक्शन आपको टच नहीं कर सकता है, अगर आप अंकुरित चीज़ें खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, है ना। तो ये तो आपका चैप्टर मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है बच्चों, पेज नंबर 9 तक मैं पहुँची हूँ, और चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप भी इसका प्रॉपर वे में रीडिंग करें और चैप्टर को समझें। और बच्चों ये जो ये जो मैंने आपको पेज नंबर 1 पे जो बताया है इसको आप फिलअप कर लीजिएगा। अभी जो आपका वर्क है वो यही है कि आपको इसको फिल करना है, देन आपको चैप्टर की रीडिंग फिर से करनी है, और इसके बाद जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ तक आपको पढ़ना है, उसके आगे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्पर्जल ऑफ द सीड, है ना, यानी बीज का फैलाव ये है। तो ये मैं आपको आपका नेक्स्ट पीरियड जब भी पढ़ेगा मैं आपको पढ़ाऊँगी, और आज से आपकी साइंस की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो थैंक यू बच्चों।